वापस लेना होगा, लेना होगा। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज पूरे भारत को बंद का ऐलान किया था, जिसका असर देवघर में भी देखने को मिला। देवघर में जेएमएम, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएमएल के द्वारा सभी दुकानों को बंद कराया गया और बंद का जोरदार असर भी देखने को मिला। देवघर के टावर चौक पर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने बीच सड़क पर बैठकर रोड को बंद किया एवं साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से भारत में मोदी की सरकार आई है, तब से किसान, गरीब, नौजवान के लिए कोई भी कदम, अच्छा कदम नहीं उठाया है और इस बार उसकी नज़र किसानों पर है और किसान हमारे लिए अन्नदाता हैं, हम उसके लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे। यह काला कानून जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से देवघर बंद कराया गया। एक समय ऐसा आया जब थोड़ा सा माहौल बिगड़ने वाला था, लेकिन मौके पर एसडीओ एसडीएम रहने के कारण माहौल नहीं बिगड़ा और अंत में इन लोगों ने गिरफ्तारी दी। टावर चौक पर इन लोगों के द्वारा जो है वो विरोध किया गया था। विरोध लगभग 1.5-2 घंटे विरोध चला, उसके पश्चात जो है इन लोगों को गिरफ्तारी की गई और अभी थाना हाजत में लाया गया, थाना में लाया गया, थाना परिसर में उनको बैठाया गया और जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराया जा रही है। सूखा राशन मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से दी जा रही है, एसडीओ साहब की तरफ से दी जा रही है और बाकी चीज़ें हो रही है। उसके बाद शाम तक इन लोग छोड़ दिए गए। लगभग 60-70 के आसपास की जेएमएम के द्वारा टावर चौक में पूरे भारत बंदी है, उसी के आलोक में यहाँ टावर चौक में जेएमएम के द्वारा बंदी के समर्थन में लोग जाम किया गया था। तो इन लोगों को बंदी के दौरान ही गिरफ्तार करके थाना लाया गया है, कुछ देर के बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का थोड़ा सा प्रयास किया गया था, लेकिन चूंकि वहां पर अफसर इंचार्ज और पुलिस फोर्स थे ही, साथ में
डीएसपी विकास चंद श्रीवास्तव और मैं भी वहाँ था, तो स्थिति को हम लोगों ने संभाल लिया, सबको समझा बुझा कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। कोई कानूनी कार्रवाई होगा कैसे बाद में देखेंगे, स्थिति होता है।